हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने थे हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जितने भी टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, आज का वीडियो इसी पर रहेगा। हम सभी के सभी प्रोनाउंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कोई भी प्रोनाउन मिस नहीं होगा। आज के इस वीडियो में सभी के सभी प्रोनाउन डिस्कस कर दिए जाएंगे रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो यदि आप प्रोनाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं कि कितने प्रोनाउन होते हैं, क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं इन सेंटेंसेस, और ये कैसे वर्क करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए वीडियो रहने वाला है। यदि आप इंटरेस्टेड है इस प्रकार के वीडियो में तो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहें। आई होप यू विल लर्न समथिंग स्पेशल रिलेटेड टू प्रोनाउन, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन एक नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है, अब आज का जो वीडियो रहेगा इंडेफिनिट, इंटरगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंपरेटिव एंड रेसिप्रोकल, ये टोटल 9 है हमारे पास प्रोनाउन, जिसमें से हमारा पहला पर्सनल प्रोनाउन कवर हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है फ्रेंड अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो एक प्रोनाउन होता है डिफिनिट, पहले आप इसको अच्छे से समझो, डिफिनिट, और एक होता है इंडिफिनिट। ठीक है, डिफिनिट इंडिफिनिट में क्या डिफरेंस है। डिफिनिट जो प्रोनाउन होता है फ्रेंड, पर्सनल प्रोनाउन को ही डिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन जितने होते हैं सबको डिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित वाचक जो होते हैं सर्वनाम। निश्चित मतलब जो फिक्स हो, जैसे हम रोहन, ठीक है, जैसे रोहन है, हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था रोहन, उसके लिए हम एक ही प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि ये फिक्स है। ये ही किसके लिए आया, रोहन के लिए आया है और किसी के लिए नहीं आया। ठीक है, तो ये निश्चित हो जाता है, इसलिए जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं सब डिफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं, अब इसको ध्यान देना। अब हमारा नेक्स्ट होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन देखो, अब प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग्स, मींस ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता, बट कैसे हो, इंडिफिनिटली, मतलब अनिश्चित रूप से, इज नोन एज इंडिफिनिट प्रोनाउन। मींस कि ऐसा प्रोनाउन वर्ड जिससे आप ये डिफाइन ना कर पाओ कि वह किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज हुआ रहा है। ठीक है, सेंटेंसेस में यूज हुआ रहे। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप देखो ध्यान से, जैसे एनदर, एनदर मींस क्या होता है, कोई भी। अब क्या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, ठीक है, दीपक भी हो सकता है, ठीक है, महेश भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो ये जो एनदर वर्ड है, ये एनदर किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये निश्चित नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, जैसे एनीबॉडी, अब एनीबॉडी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कि कोई भी, ठीक है, एनीवन, इसका भी मतलब कोई हो, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, ईच मीन्स प्रत्येक, ठीक है, आइदर मैंने कोई, एवरीबॉडी मैंने प्रत्येक लोग। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन काम करते हैं, लेकिन कैसे प्रोनाउन काम करते हैं फ्रेंड्स, इंडिफिनिट प्रोनाउन के फॉर्म में। देखो, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटल, मच, नाइदर, नोबडी, नो वन, ठीक है, नथिंग, वन, आइदर, समबडी, समवन, समथिंग, जितने भी सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर जब भी यूज होंगे इन सेंटेंसेस, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा हो सकते हैं, बोथ। अब बोथ मीन्स दोनों, दोनों मतलब जब दो व्यक्ति आ गए तो भाई वो क्यों, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। फ्यू माने कुछ, कुछ लोग मतलब एक से अधिक लोग होंगे, मेनी, बहुत, अदर्स, सेवरल मीन्स अत्यधिक लोग। ठीक है, तो जितने भी ये वर्ड है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, जैसे all, any, more, most, non, some, such, ठीक है, ये जितने भी प्रोनाउन फ्रेंड्स आप देख रहे हो इस समय, ये सभी क्या है, इंडिफिनिट। मीन्स इन सभी प्रोनाउन से ये पता आप नहीं कर पाओगे कि किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु के लिए पार्टिकुलर, लेकिन ये सभी को बताते हैं कि ये फिक्स नहीं है, किसी के लिए भी यूज हो सकते, किसी के लिए भी। ठीक है,
तो ये आप समझ लो कि ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, देखो जैसे किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अब देखो यहां पे जो वन आया, वन मस्ट डू वन ड्यूटी, वन के साथ अपना का इंग्लिश क्या होगा, वंस होता है, वो थी हमारा वन वर्ड जो है सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है ठीक है। अब वन मीन्स कोई भी, किसी कोई भी किसी भी, अब यहां पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, निश्चित नहीं है, इसलिए इंडिफिनिट प्रोनाउन। नॉन ऑफ द बॉयज माने लड़कों में से कोई नहीं, अब ये फिक्स तो नहीं कोई भी लड़का नहीं ठीक है। आल माने सभी, अब सभी में कोई भी हो सकता है, सम कुछ, नो बडी समवन, एवरीबॉडी फ्यू, ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो यहाँ पे सब के सब जितने भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं दैट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन ठीक है फ्रेंड्स। सभी के सभी क्या है, इंडिफिनिट। ये आप समझ लो एकदम सिंपल वे में कि जिस भी प्रोनाउन से आपको किसी एक पार्टिकुलर या पार्टिकुलर थिंग्स वस्तु के बारे में पता ना चले वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं ठीक है, ऐसे आप समझो तो आसान रहेगा। ये सभी एग्जांपल हमारे क्या थे, इंडिफिनिट प्रोनाउन, आप इसको देख लेना। देखो नेक्स्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स या प्रोनाउन विच आस्क अ क्वेश्चन, ये समझ लो कि ऐसे प्रोनाउन जिससे क्वेश्चन किया जाए, जैसे हु व्हाट विच हुज हुम, ये सभी क्या है हमारे इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं, और ये वर्ड कैसे काम करते हैं, प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं ठीक है। जैसे अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखो समझ जाओ, जैसे हु वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मींस अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट नहीं था, मान लो डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, तो हु किसके लिए आ गया यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये हु वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इंटरगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये इंटरगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो हु वर्ड है प्रोनाउन ये क्वेश्चन कर रहा है किसी एक व्यक्ति के लिए, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन नहीं था प्रेसिडेंट ठीक है, तो ये हु हमारा प्रोनाउन तो होगा लेकिन कैसा, जब क्वेश्चन कर रहा है तो इंटरगेटिव हो जाएगा ये ठीक है। हु इज दिस, यहाँ कौन है, ये भी किसी व्यक्ति के लिए हु यूज हुआ है यहाँ पे, हु भी हमारा इंटरगेटिव प्रोनाउन, हुम किसको, व्हाट ठीक है किसी वस्तु के लिए यूज होता है व्हाट ठीक है, विच ठीक है, विच हो गया, हुज हो गया, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो इंटरगेटिव वर्ड ठीक है, ये सभी के सभी इंटरगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, मीन्स जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब देखो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग होती है संबंध सूचक, मीन्स रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताएगा दो ठीक है, दो नाउन के बीच में ये रिलेशन बताएगा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स आर रिफर्ड टू अ नाउन ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन से रिलेशन बताता है, विच हैज गॉन जस्ट बिफोर दिस रिलेटिव प्रोनाउन। देखो हु हुम हुज विच दैट, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी ये सब अभी पीछे क्या काम कर रहे थे, इंट्रागेटिव प्रोनाउन कर रहे थे ठीक है। और जब इंट्रागेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कब करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ना करें ठीक है, क्वेश्चन ना करें। देखो जैसे यहां इस एग्जांपल में देखो, द मैन हु स्टोल माय पर्स, मींस आदमी जो, अब यहां पे हु मींस या जिसने, हु मींस जो या जिसने, अब यहां देख रहे हो हु इंटरगेटिव के फॉर्म में यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ, क्या यहां ये हु वर्ड क्वेश्चन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हु ये रिलेशन बता रहा है किसका, मैन के साथ, कि स्टोल माई पर्स इज अ थीप, जिसने मेरा पर्स चुरा वो इज अ थीप, तो हु ये बता रहा है मैन का रिलेशन कि जिसने मेरा पर्स चुरा है, और हु किसके लिए आया, इस आदमी के लिए आया, मैन के लिए आया। तो जितने भी आप रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे फ्रेंड्स ये सभी के सभी इंटरगेटिव आपको लगेंगे, लेकिन वो इंटरगेटिव नहीं होते हैं ठीक है, इंटरगेटिव रहेंगे तो स्टार्टिंग में आएंगे ठीक है, लेकिन ये इंटरगेटिव स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है ठीक है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आते हैं ठीक है, आप ऐसे समझो। और जो भी ध्यान देना, हु हुम हुज विच दैट, ये जब सेंटेंसेस में आते हैं तो अपने से पहले जस्ट आने वाले नाउन, देखो एंटीसीडेंट यहां लिखा है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनके जस्ट पहले आने वाला, एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व, मतलब जो पहले आ रहा है ठीक है, तो ए बॉय हो गया ठीक है, जैसे आप देखो हु हु के पहले गर्ल हो गया, इसका रिलेशन बता रहा है, तो हु किसके लिए आया, गर्ल के लिए, विच किसके लिए आया, द कार के लिए, जस्ट पहले आया नाम, इसके लिए यूज हुआ विच, तो आप देख रहे हो ना ये सब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन के साथ, तो ये हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपको देखने में लगेगा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है इंटरगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन बहुत आसान है मतलब फाइंड आउट करना, पकड़ना कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि इंटरगेटिव कर रहा है, बस आप समझ लो क्वेश्चन करेगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, आप ऐसे इजी वे में समझो।
ठीक है, तो ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दैट भी होता है हमारा, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जब बीच में आके अपने स्पेलिंग नाउन के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, ये सभी के सभी एज ए कंजेक्शन के रूप में भी काम करते हैं। कंजेक्शन यदि आप नहीं जानते तो आप जाके मेरे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। कंजेक्शन एकदम डिटेल में वहां पे बताया गया आपको। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो और भी एग्जांपल हमारे पास। अभी हमने एग्जांपल देखा जैसे दिस इज द टीचर, अब देखो दैट यहाँ आ गया, दैट दी टीचर। अब जानते हो दैट पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है और थिंग्स वस्तुओं के लिए भी यूज किया जा सकता है। और हु किसके लिए? सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, हु ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, और विच क्या होता है? ऑब्जेक्ट वस्तुओं के लिए यूज होता है, सिर्फ थिंग्स रहे। और दैट जो होता है फ्रेंड्स, ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, इसके लिए दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, देख रहे हो टीचर क्या है? पर्सन है, इसके लिए दैट यूज हुआ। विच देखो किस लिए? द रूम इन विच ही लिव्स इज वेरी डेयर। अब ये रूम के साथ रिलेट कर रहा है। विच हुम लेडी के साथ हो गया, हुज बॉय के साथ हो गया। ठीक है, विच पेन के साथ हो रहा। ये सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, डिवाइड कर देना। इसका हिंदी में क्या? विभाग, विभाग सूचक, मतलब विभाग मतलब डिपार्टमेंट बना देना। ठीक है, ऐसे समझो जैसे अ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। अब समझो कि हमारा एक्शन तो हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन प्रत्येक के साथ ईच एंड एवरी। ठीक है, सेपरेटली अलग अलग हो भी, वन बाय वन करके। जैसे लाइन में बहुत से बच्चे, ठीक है, पहले बच्चे को हमने पेन दिया, दूसरे, फिर सेकंड का नंबर आएगा, तो वन बाय वन करके सबका नंबर आएगा, लेकिन सेपरेटली अलग अलग। ठीक है, वन बाय वन करके, तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? ईच, आइदर, नॉन, बोथ, एवरी, नाइदर, एनी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ये सभी के सभी क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखो ईच ऑफ दीज टू रोड्स। अब देखो रोड तो दो हैं, लेकिन अब प्रत्येक रोड की बात कर रहा है, तो ईच आ गया, तो ईच हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच हमारा आ गया, सेकंड एग्जाम्पल देखो, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी वन ऑफ द फाइव स्टूडेंट। अब यहां ध्यान देना, बच्चे तो पांच है, लेकिन यहां पर एवरी वन, जब प्रत्येक बच्चों की बात की, अगर पांच बच्चों में से प्रत्येक की बात की गई, यहां पर एवरी वन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्योंकि यहां पे देखो वन बाय वन करके जब बात आए एवरी वन, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? देखो सिर्फ एवरी वन रहे, जैसे ध्यान देना, अभी एवरी वन हमें पीछे देखा, एवरी वन किसमें देखा था? इंडिफिनिट प्रोनाउन में, इंडिफिनिट प्रोनाउन में। लेकिन वहां पर सिर्फ एवरी वन था, यानी सबको एक साथ लेकर, प्रत्येक लोग इकट्ठा। लेकिन जब वन बाई वन की बात आ जाए, वन बाई वन, वन बाई वन, जैसे देखो पांच ही बच्चे हैं और पांचों में एवरी वन, वन बाई वन की बात हो रही, यहाँ पे एवरी वन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, बोथ ऑफ टू, देखो फिर से सिर्फ बोथ आता तो इंडिफिनिट प्रोनाउन, सेंटेंस में सिर्फ बोथ आता तो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। बट देखो इसके साथ हमारा फिक्स नंबर दे दिया कि दो ही बच्चे हैं, अब दो बच्चों में से वन, दोनों मतलब वन बाई वन सेपरेटली तरीके से आर केयरफुल। ठीक है, जब आपको फिक्स नंबर दे दे, समझ लो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है। देखो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रीटी। अब देखो ऑफ द गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स हैं अब उनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉन शुड हेड आइदर ऑफ अस, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। आप ये समझ लो ईच एंड एवरी जहां पर चीजें आ जाए तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, डिमोन्स्ट्रेट मतलब संकेत वाचक, जितने भी दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये समझ लो फाइव। ठीक है, ये होते हैं, ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ये किसी एक पर्सन, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, किसी पर्सन या किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। और ये कितने हैं? दिस, दैट, दीज, दोज और सच। जैसे देखो दिस इज अ पेन, यहाँ एक कलम है, तो ये कलम की ओर, एक ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है। कौन? दिस, यह कलम। ठीक है, दैट इज योर हाउस, दैट घर की ओर इशारा कर रहा है, तो दैट हमारा क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज, दोज, ठीक है, ये सब के सब क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ईजी है फ्रेंड्स,
आप आसानी से पहचान सकते हो कि प्रोनाउन तो है लेकिन ये कौन से फॉर्म, बहुत इजी है, सब को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। देखो अब नेक्स्ट, अभी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसको निजवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ लो सेल्फ और सेल्फ जिसमें लगे रहें, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी के सभी जो स्वयं या खुद का सेंस बताते हैं, स्वयं या खुद का सेंस बताते हैं, वो सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो द मेन हिड देम सेल्फ, मतलब उर्सू ने खुद को छुपाया, ठीक है, तो देम सेल्फ आ गया, प्लूरल फॉर्म में रहे सब्जेक्ट हमारा तो देम सेल्फ आता है, ये देम सेल्फ खुद या स्वयं के लिए आ जाए तब हम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। देखो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मैक्सिमम लास्ट में देखने को मिलते हैं, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, आई कवर्ड माई सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, ये सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जहां पे स्वयं या खुद वाला सेंस आता है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ईजी है। देखो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फैटिक प्रोनाउन कब होता है? अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन कब बनता है? अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर से फॉर इम्फेसाइज। अब ध्यान देना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जब हम इम्फेसाइज कर दें मीन्स जोरदार बना दें, ठीक है, अब जोरदार किसी भी तरीके को कैसे बनाया जा सकता है, जैसे हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन में क्या होता था, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, अब दोनों में डिफरेंस क्या था? देखो जैसे कह दे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है, यहां पे माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल तरीके से एकदम सरल यानी एकदम लो टोन में हमने बोला। अभी कह दे दिस बुक, अब बुक पे हमने प्रेशर का इस जोरदार बुक को हमने जोरदार बना दिया कि ये बुक ही, हमने उस पर प्रेशर दिया नाउन पे, दिस बुक इज, अब माई की जगह क्या आ जाएगा हमारा? माइन आ जाएगा। अब यहां माइन हमारा क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आप अब समझो कि सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इम्फैटिक में बनाया जाता है। अब इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, जोरदार बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा नाउन ही रहता है, ठीक है, उसको हम जस्ट ये समझ लो एकदम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के जस्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, ऐसे समझो जस्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से मतलब सटा के रखेंगे, कंबाइन करके सेट करना है। जैसे देखो आई के साथ सब्जेक्ट हमारा माई सेल्फ आ गया, तो समझ लो कि यहाँ पे हमारा माई सेल्फ प्रोनाउन तो है लेकिन कैसा, रिफ्लेक्सिव नहीं, इम्फैटिक के रूप में काम कर रहा है। जैसे आप देखो यू सब्जेक्ट के साथ योर सेल्फ आ गया, देख रहे हो ना, वी के साथ आवर सेल्फ आ गया, दे के साथ देम सेल्फ आ गया, यहां पर ये देख रहे हो ना सब्जेक्ट के साथ जस्ट साइड में ही बगल में ही आके जब काम करने ही लगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वहां पर हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को बस, ठीक है, वन बाय वन करके आपको समझना है, ये नहीं कि हमेशा सबको मैच कर ले एक साथ में समझने का प्रयास करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखो हमारा लास्ट जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप समझो म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है फ्रेंड्स एक दूसरे का जो परस्पर वाचक है सर्वनाम, ठीक है, परस्पर मीन्स एक दूसरे के साथ कोई भी एक्शन किया जाए साथ मिल मिलकर, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से स्नेह करते हैं। अब देखो स्नेह करना, दोनों भाई हैं, ठीक है, ब्रदर हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन वो स्नेह करने का जो कार्य सिर्फ राम तो नहीं करता, वही स्नेह श्याम भी करता है, ठीक है, तो दोनों के तरफ से वही कार्य साथ साथ किए जाए एक्शन किए जाए तो वहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो उसको म्यूचुअल एक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल एक्शन जब दो लोगों के साथ एक ही कार्य साथ साथ किए जाए म्यूचुअल एक्शन हो जाता है, और इसके लिए म्यूचुअल रिलेशनशिप या एक्शन के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं जो कि हमारा है ईच अदर या वन एनदर। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरा, एक दूसरा इसकी हिंदी मीनिंग होती है ईच अदर या वन एनदर।
अब देखो जैसे दूज सिस्टर वे बहने, ठीक है, लव ईच अदर, एक दूसरे से स्नेह करती है, अब वहां पे ईच अदर आ गया, ठीक है। दी स्टूडेंट्स क्वेरल्ड विथ वन अनदर, मतलब देखो ध्यान देना, ईच अदर आपको कहां देखने को मिलेगा, जब दो लोगों की बात हो, जब दो लोग जैसे राम श्याम दो लोग, दो जो सिस्टर मान दो सिस्टर हैं, ठीक है, तो वहां पे आप ईच अदर अप्लाई करते हो। और वन एन अदर का मतलब जब हमारा सब्जेक्ट दो से अधिक लोग हो जाए, जैसे दी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत से हो गए, यहाँ पे हम वन एन अदर यूज करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, वन एन अदर यूज करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन एन अदर, ये दोनों याद रखना आप, ठीक है। अब देखो दीज पीपल, अब पीपल बहुत से लोग हो गए, तो यहाँ पे वन एन अदर यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो ना कि रेसिप्रोकल क्या होता है, म्यूचुअल एक्शन का रिलेशनशिप बताने के लिए हम ईच अदर या वन एन अदर, ये दो प्रोनाउन यूज करते हैं, किसके फॉर्म में, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, जो बताता है हमारा परस्पर वाचक सर्वनाम एज अ म्यूचुअल एक्शन, ठीक है। तो ये हमारा था रेसिप्रोकल, हमने इम्फैटिक प्रोनाउन भी समझा कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जोरदार बनाए सब्जेक्ट के साइड में रखे तो हमारा इम्फैटिक बन जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव कब रहता है, जब लास्ट में सेल्फ वाला आपको देखने को मिले या सब्जेक्ट से जस्ट मतलब साइड में ना हो, ऐसे समझो, ठीक है, ट्रिक है पहचानने का। और डिमोन्स्ट्रेटिव बहुत आसान है, दिस दैट दिस दो सच, ये पांच ऐसे वर्ड है जो कि डिमोन्स्ट किसी ऑब्जेक्ट या मतलब पर्सन की ओर संकेत करते हैं कि यह व्यक्ति यही है, ये वस्तु यही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना, ठीक है। वन जैसे आपके पास मिठाइयां हैं कुछ, ठीक है, आपको सबको बांटना है, तो आप वन बाई वन करके सेपरेटली दोगे ना उसको, वन बाई वन करके दोगे बच्चों को, बांटोगे, लेकिन बट फ्रेंड्स आप ये ध्यान देना सबका नंबर आएगा वन बाई, ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एंड एवरी वाली बात होती है, मैंने बताया। रिलेटिव प्रोनाउन की जब आप ऐसे समझो कि जो भी इंटरगेटिव प्रोनाउन आपको इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस के बीच में देखने को मिले, दैट भी रहता है, ठीक है, और वो अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन के साथ रिलेशन बताता है अदर पार्ट सेंटेंस का, ठीक है, तो हमारा हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कंजेक्शन के रूप में भी हमने बताया है वीडियो में, कंजेक्शन वाले पार्ट में बता दिया है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव आपने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन जब हमारा क्वेश्चन करने लगे, मींस ऐसा प्रोनाउन जब क्वेश्चन करे हु व्हाट व्हिच, ठीक है, जब क्वेश्चन वाली बात आए और स्टार्टिंग में सब वर्ड आते हैं तो इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और इंडिफिनिट प्रोनाउन हमने अनदर एनीबॉडी, ठीक है, जब ये आए सेंटेंस में अकेले आए, ठीक है, इनकी कोई फिक्स नंबरिंग ना दी हो, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे हमारे टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मैंने सभी प्रोनाउन के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया, और आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं किस फॉर्म में यूज होते हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस रहने वाला है इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। आई होप आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस किया और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, जो कि एक पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन भी देखा था और ये बचे थे आज के इस वीडियो में, हमने सभी की प्रोनाउन टाइप्स कवर किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो प्रोनाउन से रिलेटेड और भी अपने टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लो, ठीक है, उसमें फाइंड आउट करो कि जो भी प्रोनाउन दिया है ये किस टाइप का प्रोनाउन है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे अपने टेक्स्ट बुक से तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको करना ही है। अपने टेक्स्ट बुक से उठाओ, जो भी कम्पिटेटिव बुक्स आपके पास है, सबके सब बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस तो करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।